नुकसान तो बहुत होगा हमारा जल जंगल जमीन हमारा छीन जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ जंगल उखड़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे अब हमारे गांव तो गरीब गांव है यहाँ तेंदू महुआ चार चिरौंजी इसी से हमारा गांव निर्भर है इसी से चलते हैं कमाते खाते हैं जो भी ज़मीन खरीदता है चार चिरौंजी महुआ तेंदू पत्ता इसके लिए कोई मना ही नहीं करते हैं अपना गाँव वाले तोड़ते हैं लाते हैं देश के विकास के लिए लगातार जंगलों की बलि सरकार द्वारा और कंपनियों द्वारा चढ़ाई जाती है इसी कड़ी में अगर बात करें शिवपुरी गांव की तो यहाँ लगभग 300 हेक्टेयर जमीन पर इस प्रकार से घने पेड़ हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से घने जंगल यहाँ पे हैं और इन जंगलों की बलि चढ़ने वाली है और इसके लिए रायगढ़ अनुविभागीय दंडाधिकारी के पास आवेदन दिया गया है कि इन पेड़ों की कटाई के लिए परमिशन दी जाए और मात्र दो पेड़ इस जंगल में है ऐसा उनके द्वारा कहा गया है कैसे बता रहे हैं गांव वालों को कि यहाँ प्लांट लगेगा पूरा सब तरफ सफाई होगा करके बोल रहे हैं कितना एकड़ होगा अब तो चार पाँच सौ एकड़ ऐसे होगा लगभग सब जगह ऐसी जंगल है पता तो चलता है कि एन आर प्लांट द्वारा इसको खरीद लिया है बोलते हैं प्लांट बैठाने का वो कर रहा है तो हमें ही है, हम यही चाहते हैं हम लोग गाँव के आदिवासी पूरा आदिवासी बाहुल गांव है ये तो हमारा जंगल बचा रहे क्या है हम का इसी में से आवक है जो भी आता है महुआ चार तेंदु सराई तेंदु पत्ता सराई पत्ता जो टोड़ के बाजार उजार में बेचते हैं इसी में से गुजारा चलता है तो हमारे हिसाब से हमारा जंगल बचा रहना चाहिए अब जैसे महुआ का बात आ जाता है तो महक को लाख से ऊपर बेचते हैं कोई डेढ़ लाख कोई पौने दो लाख इस तरह का सब बेचते हैं हर परिवार में एक एक लाख रुपए तक का आमदनी महुआ में कमाते हैं पत्ता जैसे चार दिन छः दिन तोड़ाता है तो दस हज़ार से पंद्रह हज़ार तक का पत्ता तोड़ते हैं चार चिरंजी है दस हज़ार आठ हज़ार चार चिरंजी बेचते हैं इस तरह गाँव का भरण पोषण उसी से होता है सरई बीज भी बीनते हैं सराई बीज से भी ये पहले तो ये सीलिंग जमीन था राजस्व की जमीन था दो सौ पेड़ ऊपर so, पेड़ है और इसमें वास्तविक तथ्य को कंपनी के द्वारा छुपाया जा रहा है जिससे उद्योग लगने के लिए वो एन केन प्रकार सफल बनाना चाह रहे हैं इसलिए पेड़ का संख्या को कम बता रहे हैं वो फॉरेस्ट गार्ड एक दिन आया था घूम घाम के अपना चल दिया अब उसके बाद में हम लोग को तो कुछ नहीं बोला डी साहब यहाँ से सर्वे करने आएंगे आप लोग रहना उसके बाद में कोई नहीं आया वन विभाग वाले भी अपना एक जगह खड़े होकर लिख दे रहे हैं वैसे थोड़ी चलेगा वो गिनती करें आके पेड़ को इस... इसको लेके तो हम बहुत ऊपर तक जाएंगे जहाँ भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे जिला हाई कोर्ट जिला हाई कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे प्रशासन के शासन के साठ गांठ से उद्योगों को आप अनुमति दे दी जाती है ग्राम पंचायत के इसमें पूर्ण अवहेलना की जाती है लगभग इस क्षेत्र में आज से चालीस साल पहले इसका सर्वे किया था नौ लाख उसका सामने वाला था उसको मुआवजा भी दे दिया गया था फिर से उसका सर्वे हुआ तो उसमें गिनती में आया बहत्तर लाख फिर इसका मामला जो है हाई कोर्ट में भी चला है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है क्या क्षेत्र में क्या प्रभाव बिल्कुल यहाँ प्रदूषण का और बढ़ जाएगा ऐसे ही हम ध्वनि प्रदूषण धूल प्रदूषण वायु प्रदूषण से ऐसे ही पहले से ग्रसित है हम पर्यावरण से के लिए तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा अभी के गर्मी को देखते हैं तो है मुश्किल हो जाएगा गाँव गाँव भी छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे इस टाइप का हो जाएगा इस गर्मी में तो अभी इतना पेड़ पौधा है फिर भी तो इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है वही चाहते हैं कि बचे रहे पेड़ पौधे तो प्राकृतिक का देन है हम लोग तो जगाए उगाए नहीं हैं प्राकृतिक ने दिया है तो प्राकृतिक के सहारा से हम लोग चल रहे हैं अपने पूरी जनता को बचाने के लिए जनता के साथ में खड़ी हूँ जनता जिस प्रकार से आ, मांग करेगी हम उनके साथ में हैं और पूरी तरह विरोध में इसके रहेंगे कंपनी अपने आंकड़ा बता रहा है ये चोल में इसका सर्वे कराया जाए गिनती कराया जाए तो 50 लाख से पेड़ नीचे नहीं हैं आदिवासी लोग हम रहेंगे कहाँ हमारा तो जल जंगल जमीन आदिवासी लोगों का है हम इसी से हमारा गुजारा चलता है ये चाहते हैं कि यहाँ प्लांट मत लगे हमारा वो बचा रहे देश के विकास के लिए हो क्षेत्र के विकास के लिए हो या कंपनी अपने विकास के लिए इस प्रकार से जहाँ बड़े बड़े जंगलों को उजाड़ते हैं और उसके लिए उनको आ, किसी प्रकार का कोई भय भी नहीं रहता है वे भी इसी वातावरण में रहते हैं रायगढ़ जिले पूरे देश में दूसरे नंबर पर प्रदूषित ज़िला बन चुका है और यहाँ लगातार कंपनियाँ और जनसुनवाइयाँ होती जा रही हैं इस बीच में लाखों पेड़ कटना कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है जिसके लिए जिला प्रशासन को आगे आना चाहिए और इस तरह की परियोजनाओं को रद्द करनी चाहिए मैं राजेश गुप्ता जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए